Okay. तो शादी के बाद मुझे बड़ा मसला हुआ उसके हाँ. जाने के बाद कि वो इतनी दूर चली गई है फिर उसे एक्सेप्ट किया कि शी इज़ हैप्पी यू नो आई शुड फील ब्लेस्ड yes. कि माँ बाप के लिए बड़ी बात होती है कि बेटियाँ खुश होने मोहब्बत कदर करने वाले लोग मिलें तो बस उससे थोड़ी तसली हुई फिर वो ख़ुद भी आ जाती है वो भी नहीं रह सकती मेरे बग़ैर फिर मेरा जो दामाद है वो भी ही अटैचड है हमजाली हम्जा, उनके साथ आपके गाने भी मैंने देखे हाँ, मजे के आई लव द बॉन्डिंग जो आपकी उनके साथ थी हाँ, ना इट वाज सो नाइस टू सी दैट एंड मुझे लगता है जो भी देख रहे होंगे उनको भी बड़ा अच्छा लगता होगा हाँ, कि मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ अक्सर अब यूट्यूब वीडियोज़ में भी लोग कॉमेंट कर रहे होते हैं कि आप सास हैं और एक बाउंड्री um, होनी चाहिए एक डिस्टेंस होना चाहिए नहीं होना चाहिए मतलब ठीक है एक डिफरेंट साइड अगर हम उसकी बात करें तो एक रिस्पेक्ट का लेवल होना चाहिए Bilkul. मगर मजाक करना हंसी मजाक करना मोमेंट्स hmm. को इंजॉय करना yeah. इसमें तो कोई बुराई नहीं है मुझे तो लगा वो आपके बेटे की तरह आपके बेटे होते तो आप ऐसे ही उनके साथ रियली <laughs> <आक्ट कलती> फनी <laughs> really yeah. अभी आजकल सोशल मीडिया पे वो चल रहा था कि मुझे चार बेटियों के बाद बेटे की ख्वाहिश ही नहीं हुई आपकी भी तो है? उसने मुझे इतना सैड इमोजी भेजा कि आई एम योर सन एंड हाउ कैन यू से मैंने कहा नहीं ये बहुत पहले की बात है उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे बड़ी अच्छी लग रही है बहुत था। हाँ। बहुत अच्छी। I thought, uh, जितना मैंने देखा बड़ा अच्छा बाउंड्रीज रहते आप लोग बड़ी अच्छे मजाक कर रहे थे as I said, अगर कोई आपकी बेटियों का भाई होता है या आपका बेटा होता है तो मुझे लगता है ऐसी रिलेशनशिप होती है ना तो so, ये ज्यादा अच्छी है सो बिल्कुल, बिल्कुल. So, जी सफर शुरू से शुरू करें थोड़ा सा तो तारिक रोड पे चल रहे थे आप लोग आप और आपकी बहन कोई आए उन्होंने कहा मॉडलिंग करेंगी और आपने हाँ कह दी बहुत पीछे चली गई आप रहा <laughs> <laughs> इसलिए कि मुझे लगता है शायद कुछ हिस्सा ऑडियंस का वो जिनको ये इंटरेस्टिंग कहानियाँ नहीं पताऊ तो हम जल्दी से थोड़ा सफ़र को जल्दी जल्दी टच कर लेंगे मेजर मेजर पार्ट्स हाँ ये बहुत पुरानी बात है आई थिंक अब सिक्सटीन और या वो सिक्सटीन तो मेरी जो बड़ी बहन थी शी इज़ नो मोर लेकिन शी वॉज माई फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड मतलब मेरे घर का जो माहौल था बहुत कंजर्वेटिव था थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता रही हूँ mm -hmm. और अबू चाहते थे कि बिल्कुल घरेलू हों और काम ना करें तो मेरी बहन ने बहुत स्टैंड लिया उन्होंने नर्सिंग की फिर उन्होंने एयरलाइन की जॉब की wow. मेरा भी दिल चाहता था यू नो बिकॉज आई फेल्ट कि मेरे अंदर इतना कुछ है तो हमारा रिलेशनशिप ऐसा था मुझे कुछ भी करना होता था मैं बहन से कहती थी कि नहीं मुझे ये मैं शायरी लिखती हूँ मैं ये करती हूँ मैं लिखना चाहती हूँ एक्टिंग का तो खैर उस वक्त तक जहन में ही नहीं आया लेकिन मैं बड़ा इंस्पायर होती थी जब मैं फेमस लोगों को देखती थी okay. तो एक ही बहन एक ही बहन दो बहन आप लोग जी ओके okay. तो जब उन्होंने कहा नसरीन उनका नाम था खालिद वो बहन भाई जर्मनी से आए थे उन्होंने कहा कि जी हम फैशन शो कर रहे हैं पाकिस्तान में पहली दफ़ा और मॉडल्स ढूंढ रहे हैं मैं मोटी भी थी तो मुझे उसकी ज़्यादा खुशी हुई कि इस मोटापे के साथ मुझे मॉडलिंग ऑफर की है तो मेरी बहन ने कहा बिल्कुल करेंगे मैंने कहा अम्मी अबू से क्या करेंगे शी सेड वो मेरा मसला है ख़ैर वो फिर उन्होंने कहा कि फ्रेंड के पास जा रहे हैं विच वॉज़ राइट इन अ वे बिकॉज दे हैड बिकम फ्रेंड्स तो हम वहाँ गए एक दिन रिहर्सल थी फिर उसके बाद फ़ैशन शो हुआ मुझे बड़ा मज़ा आया एंड वहाँ पे समेजो साहब थे hmm. जज तो उसके बाद वो नसरीन कुछ अर्से के बाद फ़ैशन शो हो गया मुझे बेस्ट मॉडल का अवार्ड भी मिला उसमें तो नसरीन भागती हुई आई मेरे पास शगुफ्ता तो मैं पता है वो जो समेजो साहब थे वो अपना कोई सीरियल करें तो मैं हेरोइन लेना चाह रहे हैं एंड मैं पहले एक्साइटेड हुई फिर मैंने अबू का सोचा अम्मी का सोचा और hmm. मैंने कहा ये तो इतना बड़ा पहाड़ है hmm. कि ये नामुमकिन है मैंने hmm. कहा नहीं नहीं हो पाएगा यू नो पेरेंट्स कभी अलाउ नहीं करेंगे एंड ऑल उसने बहुत कहा मैं बात करती हूँ कुछ करते हैं किसी तरह से मैंने कहा नहीं वो बात दब गई लेकिन मैं बहुत अरसा उस सब सुर्दगी में रही कि ये मेरे लिए स्टार्ट हो सकता था उस फेम का जिसका मैंने हमेशा ख्वाब देखा है या मुझे लगता है कि मेरे अंदर है अच्छा मशहूर होना चाहती थी चाहती थी मुझे लगता था कि पता था किस किस तरह हो बट ये था कि फेम हो हाँ फेम का था लेकिन इसके बाद से मुझे पता चल गया कि एक्टिंग इज़ माई थिंग ठीक है खैर उसके बाद बात आई गई हो गई और इस तरह से हमने फैशन शो किया फिर खैर लोगों को तो हिफ्स हो गया होगा वो किस्सा कि मैं शोबिज में किस तरह से आई <laughs> लेकिन फिर इसी तरह काफ़ी सालों बाद अचानक हमारी कोई रिलेटिव थी उन्होंने कहा कि शो बाजी आप पीटीवी में जा, जानती हैं ना डायरेक्टर को तो आप कैसे जानती थी डायरेक्टर को सॉरीजो साहब थे? थे ना अच्छा समेजो वो नसरीन के थ्रू जितनी बातचीत हुई थी हमारी ठीक है तो उसमें ऑब्वियसली तो मुझे भी वो उनका नाम याद था नसरीन के थ्रू उनको उन तक भी बात पहुंची मेरा नाम एंड ऑल तो उस वक्त पीटीवी में एंटर होने के लिए आपको किसी के नाम से पास बनवाना पड़ता था।, था तो हम लोग जब चश्मा बनवाने गए तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि हमारे यहीं पे बिल्डिंग में रहते हैं काजिम पाशा साहब आजकल वो हीरोइन ढूंढ रहे हैं अपने ड्रामे की और नई लड़की चाहिए उन्हें तो वो जो हमारी रिलेटिव थी वो साथ थी उन्होंने कहा कि शुगफ्ता भाजी मुझे बड़ा शौक है टीवी में काम करने का तो मुझे किसी तरह से मिलवा दें मैं सिर्फ उसके लिए गई थी पी तो मैंने कहा अच्छा ठीक है नेक्स्ट डे हम लोग गए उनका समेजो साहब के नाम का ही पास बनवा के गए तो अब मैं कॉरिडोर में जैसे ही गई तो मैंने पूछा एक साहब आए तो मैंने का, सर, काजिम पाशा कहा सर काज़िम पाशाह साहब का ऑफ़िस कहाँ है तो मैंने देखा कि जैसे मुझे देख के वो सस्ते में आ गए हैं और उन्होंने कहा कि मेरा दफ्तर मैं ही हूँ काजिम पाशा मैंने कहा अच्छा अच्छा <laughs> तो मैंने कहा इनको मिलवाना था आपसे अच्छा अच्छा उन्होंने अपने असिस्टेंट से कहा ये कमरा खोल के इनको बिठाओ काफ़ी लोग आ गए एकदम से कमरे में और फिर वो कमरे में आए उन्होंने कहा जी मैंने कहा ये इनको टीवी में काम करने का बहुत शौक था तो किसी ने बताया कि आप कोई ढूंढ रहे हैं अपने ड्रामे में कास्ट करने के लिए किसी को तो उन्होंने कहा इनको छोड़ें आप अपना बताएं <laughs> तो मेरे अंदर फिर जागा वो एक्टर <laughs> बहुत ज़ोरों शोर से <laughs> तो आई फेल्ट बैड कि मैं ले के इन्हें आई हूँ और तो मैंने कहा कि आई डोंट नो मतलब कैरेक्टर uh, इतना पता था हीरो hero, हीरोइन होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं मैंने कहा कैरेक्टर अगर मेन होगा तो उन्होंने कहा हीरोइन का रोल है जिसके लिए हम कितनी लड़कियों को रिजेक्ट कर चुके हैं बिकॉज़ एक इमेज है एक पिक्चर है जो उस कैरेक्टर के लिए फिट होती है और वो आप हैं mm. तो खैर इस दफ़ा मैंने ठान ली कि अब मैंने ये करना है ओके okay. अगर मुझे दूसरा मौका मिला है ज़िंदगी में तो इट हैज़ अ रीज़न खैर मैंने उनकी भी बात की फिर उन्होंने कहा इनको भी कास्ट करेंगे इनका भी ऑडिशन करते हैं फ़ौर मेरा साउंड टेस्ट हुआ कैमरा टेस्ट हुआ स्क्रिप्ट दे दिया मुझे और मैं कामते हाथों से स्क्रिप्ट लेके घर आ तो गई अम्मी से बात की उन्होंने कहा कि अब्बू सऊदी अरेबिया में थे उन्होंने कहा ख़बरदार टीवी में काम करोगी कल फिल्मों में काम करोगी फिर स्टेज में काम करोगी मैंने कहा अल्लाह की कसम सिर्फ टीवी में काम करूंगी टीवी में तो इतने अच्छे ड्रामे होते हैं आप भी देखती हैं मैं भी देखती हूँ हम सब देखते हैं नहीं मैं बहुत रोई बहुत रोई मैंने खाना खाना छोड़ दिया खाना पीना छोड़ दिया माँ थी परेशान हुई अबू को फ़ोन किया अबू ने आई एम सरप्राइज़ कि उस वक्त अबू का रिएक्शन बिल्कुल मेरी एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट था उन्होंने कहा ठीक है करने दो बस इससे कहना कि फ़िल्म ना करे और स्टेज ना करे वो जो पंजाबी स्टेज होते हैं उस तरह के मैंने कहा नहीं करूँगी